तो अभी हम देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैसे यूज़ हो रहे होते हैं और उनका कैसे आंसर आ रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक इक्वल तो देखिए असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसमें चेक करने के लिए डबल इक्वल का इस्तेमाल किया जाता है, और नॉट इक्वल के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ इक्वल के साइन का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे इक्वल टू और टाइप, यानी कि इसको यानी कि टाइप और वैल्यू दोनों को चेक करने के लिए ट्रिपल इक्वल का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे टाइप और उसकी वैल्यू दोनों को नॉट इक्वल करार देने के लिए नॉट इक्वल का इस्तेमाल किया जाता है। चलें पहले इक्वल टू से शुरू करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने चेक करना है कि कंपेयर करना है ए को बी के साथ, और आंसर हमें ये देगा। तो कैसे करेंगे? तो पहले हम यहाँ पे कांस्टेंट बना लेते हैं, ये मैंने कांस्टेंट के लिए कॉमा लगाया, और यहाँ पे एक मैंने कहा ए इक्वल टू बी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कि मैं असाइनमेंट क्या दे रहा हूँ उसको, कि भाई हमारा आंसर है ये चेक करके बताओ क्या ये इसके बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इक्वल लगा दिया। अब यहाँ पे आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आउटपुट के लिए हम यहाँ आ गए, रिफ्रेश किया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? फॉल्स। इसका मतलब ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 20। तो ये आंसर हमें ट्रू या फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे ट्रू का मतलब 1 भी हो सकता है और फॉल्स का मतलब 0 भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रही बात ये? अच्छा, अब हम इसको कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर चलें, ये तो ऐसे चेक कर लिया, अब यू चेक करो क्या नॉट इक्वल लिखते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं, तो चेक करके पता है क्या आउटपुट दे रहा है हमें। तो देखिए, इसने हमने आंसर किया नॉट इक्वल टू में ट्रू। देखें, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है, तो ये दोनों इक्वल है नहीं ना, तो हम कह रहे हैं नॉट इक्वल है, तो इसने आंसर क्या दिया? ट्रू। हाँ भाई, ये नॉट इक्वल है, यानी कि ये आंसर हमारे कंपैरिजन के ऊपर देगा, जो हम कंपैरिजन इसको दे रहे हैं उसको चेक करेगा, अगर वो ऐसा है तो उसके हिसाब से ये हमें आंसर दे देगा। इसके बाद तीसरा हमारे पास है ग्रेटर देन। अब हम इसे कह रहे हैं मिसाल के तौर पे, चेक करो ए की वैल्यू क्या ग्रेटर है बी से। तो यहाँ पे हमने लगाया ग्रेटर, और यहाँ पे हमने इसको ऑपरेटर भी ग्रेटर का दिया सिर्फ, और यहाँ पे चेक किया, तो इसने आंसर क्या दिया? फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 20, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसने ग्रेटर नहीं ए की वैल्यू बी से, तो इसने इसको फॉल्स कह दिया। अब इसी ऑपरेटर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेस पे कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ से इसको लेस देन पे लगा देते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके इसको लेस देन कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे आके चेक करते हैं, तो ए की वैल्यू छोटी है बी से, इसलिए इसने आंसर को क्या कर दिया? ट्रू में आंसर दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे करते हैं लेस देन के साथ इक्वल लगा देते हैं, तो भी आंसर क्या दे रहा है? ट्रू दे रहा है। ये डबल चेक हो रहा है ना, डबल चेक का मतलब ये होता है कि भाई या तो ए की वैल्यू बराबर है या फिर छोटी है बी से, छोटी तो है लेकिन बराबर नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है, ये डबल चेक हो रहा है। इसी तरह इसको इस तरह से चेक कर लेते हैं कि ए की वैल्यू या तो बड़ी है या फिर बराबर है बी के, तो ए की वैल्यू ना तो बड़ी है और ना ही बराबर है बी के, तो अभी चेक करते हैं यहाँ पे, ना ही बराबर है ना ही इक्वल है, और ना ही बड़ी है ना ही बराबर है बी के, तो इसलिए आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, ए की वैल्यू को 20 कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ए की वैल्यू को 40 करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ए की वैल्यू को 10 कर देते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? इस तरीके से ये ऑपरेटर आपके काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे डबल चेक कराने का क्या मकसद है? डबल चेक कराने का मकसद यहाँ पे हो सकता है, जैसे उसकी टाइप के साथ भी हम उसको चेक कराएं और उसकी वैल्यू को भी हम आपस में कंपेयर करें। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपके लिए चेंज करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे लेट ए और बी किया और बी की वैल्यू को 20 कर रखा है, तो मैं यहाँ पे कोटेशन पर डालता हूँ उसको 20 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ए इक्वल टू 10 ये एक नंबर है, बी इज इक्वल टू 20, 20 नंबर है, लेकिन जब हमने इसको स्टोर डबल कोट में किया तो ये क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। अब चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे हम कहते हैं चेक करो ए नॉट इक्वल टू बी, तो आंसर इसको क्या देना चाहिए? ट्रू में ही देना चाहिए ना, जैसे पहले दे रहा था, बराबर तो नहीं है ना दोनों, तो यहाँ पे चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आंसर क्या दे रहा है? ट्रू दे रहा है। तो फिर उसको कोटेशन में डालने का क्या मकसद हुआ? देखें, जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो थोड़ा सा एडवांस है, उसने क्या किया, आपका ये जो 20 नंबर लिया ना, इस 20 नंबर को लेके उसने कन्वर्ट किया नंबर के अंदर और आपको रिजल्ट दे दिया उसी तरह से जैसे पहले दे रहा था। मतलब अगर मैं इसको डबल कोटेशन में लिखूं या ना लिखूं, आंसर मुझे इसने क्या देना है? ट्रू ही देना है। अब अगर मैं इसको एक स्टेप और आगे जाके चेक कराऊं टाइप के एतबार से, चले यहां पर हम नीचे जाके लिखते हैं एक लाइन, डॉक्यूमेंट और टाइप, और न्यू लाइन ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ कॉमा लगा के एक फंक्शन लॉन्च करते हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ फंक्शन लेते हैं, उसके अंदर दो ब्रैकेट डालते हैं और इसमें हम डालते हैं ए की वैल्यू, ठीक है। तो ए की टाइप देखिए क्या दिखा रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे हम कॉमा लगा के डबल कोट्स लगा के बी आर को दोबारा से ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पर हम जो है यहाँ पे ये भी लिख देते हैं ए टाइप, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं रिफ्रेश। तो ए की टाइप क्या बता रहा है? नंबर, ठीक है। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं बी टाइप,
तो बी टाइप क्या बता रहा है, बी तो लिखो ठीक है। तो ये फंक्शन क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। अब देखें वो जो ट्रिपल इक्वल और नॉट इक्वल था वो काम करेगा। यहां पे मैं एक और इक्वल लगा देता हूं समझाने के लिए आपको। तो अब क्या आंसर आना चाहिए, अभी तक तो ट्रू आ रहा था, अभी भी आंसर हमारा ट्रू आ रहा है। तो डबल नॉट इक्वल में भी दोनों की वैल्यूज जो है अभी नहीं है, इसलिए आंसर इसने ट्रू दे दिया। अगर हम दोनों की वैल्यूज को सपोज इसको भी 20 कर देते हैं और इसको भी 20 कर देते हैं और यहां पर ले जाके ट्रिपल इक्वल लगा देते हैं और यहां पर भी चेक करने के लिए हम ट्रिपल इक्वल लगवा देते हैं, तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब क्यों फॉल्स आ रहा है, नोट किया आपने भाई, ए की वैल्यू क्या है तो बी की वैल्यू क्या है, तो यहां पर मैंने क्या लगाया, ट्रिपल इक्वल, तो 20-20 इक्वल हो गया ना, लेकिन ये क्यों दे रहा है आंसर, वो स्ट्रिंग में है। और ये कमाल हमारा क्या है, एक तीसरा ऑपरेटर ने जिसने उसकी वैल्यू के साथ साथ उसकी टाइप को भी चेक कर लिया। देखें एक की टाइप स्ट्रिंग है, एक की टाइप इंटीजर है, इसलिए जब ट्रिपल इक्वल लगेगा तो और रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो आंसर उसकी दोनों वैल्यू को भी चेक कर लेगा और उसके साथ उनकी टाइप को भी चेक करेगा। अगर दोनों में से एक भी मैच नहीं होगी तो आंसर क्या दे देगा, ये आपको फॉल्स पे दे देगा। अब नोट करें, मैं यहां पे जैसे जाके नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल डालता हूं तो आप नोट करेंगे यहां पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20-20। तो आंसर दोनों की टाइप क्या होगी, दोनों की टाइप नंबर होगी, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। तो वैल्यू भी सेम है और उसकी टाइप भी सेम है। अच्छा मैं यहां से एक इक्वल हटा देता हूं तो ये खाली उसकी वैल्यू को चेक करेगा, क्या चेक करेगा, वैल्यू को, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अच्छा अब मैं एक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूं, ये देखिए मैंने एक वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। हालांकि एक नंबर हो गया और एक स्ट्रिंग हो गया, ये सिर्फ वैल्यू को चेक कर रहा है, टाइप को चेक नहीं कर रहा। और जैसे ही मैं इसके अंदर एक इक्वल और डालता हूं ऑपरेटर के अंदर, तो अब ये वैल्यू और टाइप जब दोनों को चेक करेगा तो इसको पता चलेगा ये नंबर है ये स्ट्रिंग है, तो ये आपका आंसर क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। समझ में आ गई बात, ये इसी तरीके से हमारा ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम करते हैं। जो भी आगे हम कंडीशन को चेक कराएंगे दो वैल्यूज को, यानी कि दो वेरिएबल के दरमियान में जो भी वैल्यू चेक करानी है उसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर से चेक कराएंगे किसी भी प्रोग्राम में।